रेवाड़ी में एक शराबी बेटे ने अपनी मां को ही सिर में लाठी मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल हस्ती देवी नाम की बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ बावल के रायपुर रोड पर रहती थी और उसका बेटा संजय शराबी है, जिसने शराब की खातिर पहले भी जमीन बेच दी थी और रात भी वो अपनी माँ से जमीन बेचने की कह रहा था। माँ के जमीन बेचने से मना करने पर संजय ने लाठी से अपने बुजुर्ग माँ के सिर पर वार कर दिया, जहाँ अस्पताल पहुँचने से पहले ही मौत हो गई। वहीं माँ का कातिल बेटा मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संजय के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बेटे ने अपनी माँ के साथ झगड़ा किया है और लकड़ियों से चोटे मार करके हत्या किया है। इसमें ये बेटा शराबी किस्म का लड़का था। कुछ पहले भी इसने ज़मीन बेची है, अब भी और ज़मीन बेचना चाहता था। इस बात पे माँ इनकार करती थी, इसी बात पे इसने अपनी माँ की हत्या कर दी। वो आरोपी अभी पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।